नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों का शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं IPPCA मीडिया के नाम से 210 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूँ। मैं मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मीडिया से रिलेटेड ये सारे ग्रुप। दोस्तों, हमारी पत्रकारों की जो ट्रेड यूनियन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन है, वेरी फर्स्ट ट्रेड यूनियन, जो कि भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ BMS का नाम आपने सुना ही होगा। BMS इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, कामगारों की, श्रमिकों की, और वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। उससे दोस्तों हमारी यूनियन एफिलेटेड है। हमारी यूनियन का गठन 16 जनवरी 2017 को हुआ था। दोस्तों, तब से हम लोग जो हैं लगातार पत्रकारों की आवाज उठा रहे हैं। आज दोस्तों 16 नवंबर है, प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इसकी भी आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोगों को पत्रकारों की मांगों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है और लड़ाई बड़ी सफलतापूर्वक लड़ी है। वो इसलिए कि पहले हम लोग जो है ज्ञापन देते हैं और बातचीत करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, सब कुछ। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर सड़कों पर आते हैं, और ऐसा देखने में है कि सड़कों पर आते हैं, ज्ञापन देते हैं तो रास्ते जो है निकल ही आते हैं। एक बहुत सफलता जो हमें जो एक बड़ी सफलता मिली है, वो एक डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, हम लोग लगातार डिजिटल मीडिया को मान्यता देने की मांग कर रहे थे। जब हम लोग ये मांग करते थे तो कई पत्रकार संगठन उसका विरोध भी करते थे कि डिजिटल मीडिया के कोई पत्रकार थोड़ी होते हैं, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज ये केंद्र सरकार ने अभी पास कर दी है और डिजिटल मीडिया को INV मिनिस्ट्री के अंडर डाल दिया है। INV मिनिस्ट्री अब जो इसके जल्दी इसके नॉर्म्स जो लागू करेगी और डिजिटल मीडिया को सरकार की तरफ से एक जो नीति बन रही है अभी, उस नीति के तहत उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। एक बहुत बड़ी सफलता दोस्तों। इसको लेकर हम लोगों ने कई ढेरों कार्यक्रम किए। हम लोग हर साल पिछले कई सालों से 25 अगस्त को डिजिटल मीडिया डे के रूप में मना रहे हैं। उस दिन बड़े कार्यक्रम करते हैं, देश भर में कार्यक्रम भी होते हैं और 150 के करीब डिजिटल मीडिया के 150 पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं। तो दोस्तों, एक ये हम लोगों की एक लड़ाई लड़नी पड़ी है। एक अब आगे जो लड़ाई हम लोगों ने दोस्तों शुरू की है वो है ई पेपर। हम लोग चाहते हैं कि भाई ई पेपर को भी मान्यता मिले। विदेशों में मान्यता है दोस्तों, विदेशों में उनको ज्ञापन भी है, सारी सारी फैसिलिटीज है ई पेपर वालों को, हिंदुस्तान में नहीं है। अब ये कोरोना का जो महामारी आई है, उस दिन तब उस महामारी के दौरान ऐसा देखने में आया कि प्रिंट मीडिया काफी कमजोर हुआ है और लोगों ने जो डिजिटल पेपर, ई पेपर निकालने शुरू कर दिए, जो कि प्रिंट पेपर निकाल रहे थे। अब उसी का ये अब हम लोगों को भी लग रहा है कि अब जो है जमाना ई पेपर का जमाना आ गया, क्योंकि सारा कुछ तो मोबाइल पर है दोस्तों, सारी चीजें मोबाइल पर हैं। आजकल तो न्यूज़पेपर कम ही लोग पढ़ते हैं। जो पहले पुराना टाइम था तो लोग सुबह उठते अखबार का इंतजार करते थे, अब नहीं, अब मोबाइल का इंतजार करते हैं कब मोबाइल हाथ में आएगा, जो चीज उनको चाहिए वो उसमें देख लेते हैं। बच्चे तो खैर आजकल देखते ही मोबाइल है, जमाना मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पर जो मर्जी चाहो देख सकते हो आप जो है। दोस्तों, ई पेपर हम लोग जो है, और इसके अलावा दोस्तों आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हम लोगों ने एक अभियान भी शुरू किया है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से डिजिटल मीडिया को, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथियों को जो है श्रमजीवी पत्रकार माना है, हम लोग जो है उनको आज अपील करते हैं पत्रकार साथियों को कि आप लोग अपने विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, आई कार्ड बनवाते हैं, गाड़ी अपनी व्हीकल्स जो हैं उन पर प्रेस लिखा होता है, तो ये आपसे निवेदन है कि उसका बहिष्कार करें, प्रेस मत लिखें, क्योंकि प्रेस बहुत पुराना शब्द है और इसका बड़ा मिसयूज भी हो रहा है इस प्रेस शब्द का। ऐसा देखने में है कि भाई जो कपड़े प्रेस करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी हैं, वो भी अपने वाहनों पर प्रेस लिखा हो, उनको भी, उनको लगता है कि प्रेस लिखा होगा तो पुलिस उनके चालान नहीं करेगी। पर ऐसा दोस्तों ये चीज गलत है। एक तो खैर हम लोगों को जो सरकारी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने हैं, और आप लोग अपने विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड और अपने वाहनों पर अब आप लोग मीडिया लिखें। सारा आपसे निवेदन है कि अपने वाहनों पर मीडिया लिखें। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लोग संघर्ष लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी भी शुरुआत हो गई है, दिल्ली के लिए भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है, जिसकी जल्दी हम लोग जो घोषणा करने वाले हैं। हम लोगों के 2-3 जो अभियान जो चल रहे हैं, एक हम लोगों ने दिल्ली NCR डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी तैयार की है अभी, जो अभी लॉन्च होनी है, एक 1.5 महीने में लॉन्च करेंगे दिल्ली NCR डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी। दोस्तों, बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव मीडिया डायरेक्टरी होगी। दिल्ली NCR जो मीडिया हब है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीडिया हब है,
उसमें हम लोगों के लिए सारे पत्रकारों की डिटेल होगी। आप मोबाइल पर जाएंगे, वॉइस सर्च करेंगे, किसी भी जर्नलिस्ट का नाम लेंगे, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी मोबाइल के अंदर। दूसरा दोस्तों, हम NMPR की बात कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पर्सन रजिस्टर। आमतौर पर जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके जो उनके पूरी डिटेल, पत्रकारों की पूरी डिटेल वहाँ के राज्य सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो। तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो अपने राज्य स्तर पर इस तरह की जो है दिल्ली जर्नलिस्ट अपना रिपोर्टर्स की जो है वो एक डायरेक्टरी तैयार हो रही है हम लोगों की। वो अलग एक चीज है, रजिस्टर जिसको बोल रहे हैं, वो रजिस्टर हम लोग जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को देंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल को देंगे। इस तरह हमारी सारी स्टेटों में ये सारी गतिविधियां दोस्तों चल रही हैं। हम लोग भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े। हम लोग बहुत जल्दी इसकी मेंबरशिप खोल रहे हैं, इसकी मेंबरशिप के लिए आपको ऑनलाइन सारी डिटेल मिलेगी, इसकी जल्दी हम लोग आपकी इसकी सूचना आपको दी जाएगी। दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आपको जो शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, नरेंद्र भंडारी, भारत माता की जय।